नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बिना सीएससी आईडी लिए ही आप बहुत सारे ऐसे काम हैं ऑनलाइन का जो कि आप कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, सीएससी आईडी के बिना जो है ना, बहुत से लोग दुकान तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सीएससी आईडी नहीं होने की वजह से वो जो है वो सोचते हैं कि हम क्या काम करेंगे, आईडी के बिना काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। सीएससी आईडी के बिना आप 80% से भी ऊपर काम आप सीएससी आईडी के बिना ही कर सकते हैं। मतलब आप सीएससी आईडी के बिना आधा से ज़्यादा काम ऐसे ही कर सकते हैं, आपको सीएससी आईडी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि सीएससी आईडी के बिना कौन कौन से काम हैं जो कि आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही मैं आप सभी को इसका वेबसाइट भी बताऊंगा किस वेबसाइट से कैसा काम होता है। तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए मैं कुछ लिस्ट बना रखा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट में देख करके बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने बताया कि सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंटली जितने काम है वो सारे काम आप जो है कर सकते हो। पहला नंबर पैन कार्ड बना सकते हो, नया कलेक्शन भी कर सकते हो। किस वेबसाइट से करना है, वो NSDL से करना है। देखो यहाँ पे आप सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे आप देख लो बगल में, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है NSDL, क्रोम ब्राउजर या जो भी है। आपके मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप भी कर सकते हो, उसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दुकान रखना है तो मोबाइल तो चलेगा नहीं, आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है। तो NSDL आपको सर्च करना है। NSDL सर्च करने के बाद ना आपको यहाँ पे दिखता होगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको फॉर्म सीधा खुल जाता है। पहला जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करना है, उसके बाद आपको सारा भरने के लिए आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है जो भी डाटा इसमें मांगा जा रहा है फिल करके आपको इसमें भर देना है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सही से ही भरना है। जिसका भी बना रहे हैं आप उसका आधार कार्ड देख लीजिएगा, आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको वो बनाना है, कुछ भी गलत नहीं डालना है। आगे आप सारा प्रोसेस कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा एक एक करके बताएंगे तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड भी जो है आप बना सकते हो बिना सीएससी आईडी के। सीएससी आईडी रहती है तो उसमें लॉगिन करके बनाते हैं, लेकिन बिना सीएससी आईडी के भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है PMJAY बेनिफिशियरी। ठीक है, ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का ये पहला जो है वेबसाइट आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे इसमें अपना एक आईडी बनानी पड़ती है, चाहे तो आप इसमें आईडी बनी हुई है तो फिर लॉगिन कर लेना, नहीं बनी है तो आपको यहाँ पे जो है ऑपरेटर में जाना है। ऑपरेटर में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए सिग्नप आ रहा है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड वगैरह जो भी मांगा जा रहा है ना उसमें डाल करके आपको जो है सिग्नप कर लेना है। सिग्नप करने के बाद आपके पास पासवर्ड आईडी आ जाएगी, जिससे आप लॉगिन करके जो है आप आसानी से आयुष्मान कार्ड किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आयुष्मान कार्ड, और इससे सुधार भी हो सकता है, सुधार भी कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप वोटर कार्ड भी बना सकते हो। वोटर कार्ड नया बना सकते हो या फिर करेक्शन कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस में भी चेंज कर सकते हो, फोटो भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए एक ऐप भी आता है जो कि वोटर हेल्प के नाम से है, जो कि प्ले स्टोर से आप जो है डाउनलोड करके सिंपली वहाँ से भी कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके। ठीक है, या फिर आप अपने कंप्यूटर पर करना चाहते हो तो कंप्यूटर पर आपको जो है गूगल में सर्च करना है ECI.gov.in। ठीक है, इस पर जाना है आपको। यहाँ पर वोटर कार्ड अप्लाई में पहले इसमें एक आईडी बनानी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसमें आप सिग्नअप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको नया डाउनलोड करना है, जो बना हुआ है उसका डाउनलोड करना है या फिर सुधार करना है, सारे ऑप्शन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा आसानी से। इसमें आपको सीएससी आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो है सीएससी आईडी के बिना ही इसमें सारे काम आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर कर लेना है, अपना एड्रेस वगैरह डाल के। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी काम आप बिना सीएससी आईडी से ही कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप आधार कार्ड का बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, उसमें तो आपको सीएससी आईडी की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो आधार कार्ड का, जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना, डाउनलोड प्रिंट आउट करके जो देते हैं लोगों को, प्रिंट आउट कर लेना, लेमिनेशन कर लेना, ये सारी मशीनें ले लेना, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो लेमिनेशन मशीन है, इधर से इस वेबसाइट से आप प्रिंट करना है। वेबसाइट का नाम है UIDAI.gov.in। लिखोगे तो भी आ जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी UIDAI सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे
पहला नंबर ही आ जाएगा UIDAI, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि आपको इस वेबसाइट को किस लैंग्वेज में यूज करना है, हिंदी, इंग्लिश या इसके अलावा लोकल लैंग्वेज जितने भी, वो सारे कुछ यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। आपको जो भी हो वो सर्च कर लेना, उस पर सिंपली टिप कर देना। टिप करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट खुलता हुआ नज़र आ जाएगा। नज़र आने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस वेबसाइट से आप चाहे तो जो इसने भी अप्लाई किया है उसका स्टेटस चेक कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड अगर नहीं करोगे, PVC कार्ड मंगाओगे जो कि प्लास्टिक वाली जो छिपी हुई आती है ऊपर से, उसको भी ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। ऑर्डर करने के बाद आपकी स्टेटस चेक करना, तो स्टेटस भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में मैंने पूरा दिखा रखा है। ठीक है, और इसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं वो भी दे सकते हो, ईमेल आईडी लिंक है कि नहीं उसका भी चेक कर सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों आप पासपोर्ट चाहे तो पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी आपको CSC ID की कोई आवश्यकता नहीं है। CSC ID के बिना ही आप इसमें अपना एक आईडी बना सकते हो, खुद का आईडी, एक आईडी बना करके आप जो है लॉग इन करके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको जो है आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आचरण प्रमाण पत्र रहना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप बिना CSC ID के ही जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, या फिर ये जो जाति, आवासीय और आय, ये तीनों ही अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको CSC ID की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना CSC ID के ही ये बन जाते हैं। आपको सर्विस प्लस आपको सर्च करना है यहाँ पे गूगल में, और आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, अपनी आईडी बना सकते हैं, यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी। तो बस CSC ID के बिना जो है अलग अलग आईडी बनानी पड़ती है सभी को, और एक CSC ID रहती है तो सब में एक ही लॉगिन हो जाता है। बस यही आपको जो है थोड़ा एडवांटेज रहता है, बाकी काम तो जो है आप CSC ID के बिना ही बहुत सारे ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।